एक और एक्सक्लूसिव खबर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद की राइफल से हुई थी उमेश पाल की हत्या। हत्या में शूटर साबिर ने इस्तेमाल की थी अतीक की राइफल। देखिए, यह बिल्कुल नई जानकारी है जो सामने आ रही है। अतीक अहमद की राइफल से शूटर साबिर ने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी। राइफल के साथ अतीक का पुराना फोटो भी सामने आ गया है। यही वो राइफल है जिससे उमेश पाल का मर्डर किया गया। यह बड़ा खुलासा इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा सामने आया है। पंकज, ये बहुत अहम जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी। ये साबिर जो है, जिसको आपने देखा होगा सूट आउट में उमेश पाल के, जो वो राइफल से गोली चला रहा था, वो तो फरार है। लेकिन प्रयागराज पुलिस के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि ये जो राइफल है वो किसी और का नहीं बल्कि अतीक अहमद का ही है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस की तरफ से ये फोटो भी दी गई है जिसमें ये दोनों दिख रहे हैं, अतीक अहमद और उसका बेटा, और साबिर ने उसी राइफल से उमेश पर फायरिंग की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा, विनय रघुवंशी हमारे साथ, विपिन चौबे भी जुड़े हुए थे उनका भी, और पुनीत शर्मा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शानदार रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त लेकर आए हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक कर रहे हैं और एक एक एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।